तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक में लेकर गया हूँ वीडियो, आज हमारा जो होने वाला है, तो आज हम लोग मोबाइल फोन रिपेयरिंग चेकिंग के ऊपर कॉन्सेप्ट के ऊपर आगे का पार्ट सीखने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आप ही लोगों के लिए एक मैंने सीरीज निकाला हुआ है कि मोबाइल फोन रिपेयरिंग को कैसे चेक करेंगे, मतलब हमारे पास जो भी मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन रिपेयरिंग के लिए बेसिक चेकिंग कॉन्सेप्ट क्या रहता है। जितने भी मोबाइल फोन आते हैं, ओप्पो, वीवो, एमआई, रियलमी, टेक्नो, लावा, कार्बन, माइक्रोमैक्स, किसी भी कंपनी, किसी भी ब्रांड का मोबाइल फोन क्यों ना हो, सभी मोबाइल फोन को आप कैसे चेक करेंगे, मोबाइल फोन को चेक करने का तरीका क्या होता है, इन सब टॉपिक के ऊपर दोस्तों मैं वीडियो लेकर गया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि आप मोबाइल फोन कैसे रिपेयर करेंगे, रिपेयर करने का तरीका क्या होता है, रिपेयरिंग करने का सिस्टम क्या होता है, रिपेयरिंग करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इन सब चीजों के ऊपर मैं वीडियो लेकर गया हूँ। अच्छा दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये सारी वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है जो बिल्कुल मोबाइल फोन रिपेयरिंग की दुनिया में बिल्कुल जीरो है, जो मोबाइल फोन रिपेयरिंग के लिए मोबाइल फोन रिपेयरिंग की दुकान चला रहे हैं लेकिन आज मोबाइल फोन रिपेयरिंग के नाम पे उनको कुछ काम नहीं आता। मल्टीमीटर का यूज सिर्फ ओनली बैटरी चेक करने के लिए करते हैं और उसको सिर्फ ऐसे ही रखा हुआ है, तो वो लोग इस वीडियो देख करके काफी कुछ सीख सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग मोबाइल फोन रिपेयरिंग में अगर नॉलेज लेना चाहते हैं, मोबाइल फोन रिपेयरिंग को उसको सीखना चाहते हैं, तो आप हमारी इस वीडियो को अपना डेमो वीडियो भी समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। और आज मैं जो सिखाने वाला हूँ वो मोबाइल फोन के अंदर हमारे कंपोनेंट्स लगा होता है, जिस कंपोनेंट का नाम होता है डायोड। मोबाइल फोन के अंदर एक कंपोनेंट लगा होता है जिसका नाम होता है डायोड। तो आज दोस्तों मैं डायोड के बारे में आपको सिखाने वाला हूँ कि मोबाइल फोन के अंदर डायोड जो कंपोनेंट्स लगा होता है वो कैसे काम करता है, डायोड कंपोनेंट की टेस्टिंग क्या होती है, उसकी चेकिंग कैसे करेंगे, और डायोड कंपोनेंट खराब होने से हमारे मोबाइल फोन के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उन्हें हम कैसे चेक कर पाएंगे, उसका तरीका दोस्तों हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो लाने का मकसद क्या है कि मैं आपको मोबाइल फोन रिपेयरिंग का बेसिक चेकिंग का कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ। दोस्तों आप वीडियो को पूरा शुरू से लेकर के आखिरी तक देखें, और अगर दोस्त अगर आपको वीडियो समझ में आती है तो आप नीचे कमेंट मैसेज जरूर करें, हमारी वीडियो को अपनी स्टोरी पे भी लगाएं, वीडियो को शेयर भी करें। अच्छा, ये सारी वीडियो थोड़ी सी 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट की वीडियो होती है। दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखा करिए ताकि आप हमारी सारी बातों को समझ सकें और अच्छे तरीके से आप सीख सकें। ये सजी कोई टाइम पास, कोई मेरा कोई कमेडी अमेडी का काम नहीं है कि मैंने ऐसे फटाफट डाला, आपने देख लिया, 10 मिनट के लिए हाथ हाथ निकाल लिया, काम खत्म। ये सजी एक पूरा ट्रेनिंग है, एक सीखने का पूरा कॉन्सेप्ट है, एक पूरा प्रोसेस है। ये वो प्रोसेस है जो दांत निकालने वाला प्रोसेस नहीं है। इस काम को सीख करके पैसा कमाया जाता है, लोग अपनी जीविका करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं और अपने आप को स्टैंड करते हैं, अपनी स्किल को बूस्ट करते हैं। जिस अंदर के अंदर स्किल होता है ये बात 100% है, वो आदमी कभी फेल नहीं होता, पैसा ही कमाता ही कमाता है, आगे बढ़ता ही बढ़ता है, उसको कभी पैसों के पीछे भागना नहीं पड़ता। अगर आदमी के पास स्किल नहीं है तो आदमी इन चीजों के पीछे भागता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर और हम लोग सीखते हैं कि मोबाइल फोन रिपेयरिंग में से डायोड के बारे में। तो आज हमारा डायोड का टॉपिक है, डायोड क्या का कंपोनेंट काम करता है और इसकी पहचान कैसे होती है, मदरबोर्ड में आप कैसे पहचानेंगे, उसके ऊपर दोस्तों मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ। सबसे पहली बात, जितने भी मोबाइल फोन होते हैं सभी मोबाइल फोन के अंदर डायोड लगा होता है। डायोड एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो सप्लाई को वन साइड पास करता है। डायोड एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो सप्लाई को वन साइड पास करता है। क्या काम करता है? सप्लाई को वन साइड पास करता है। और दूसरी बात है, यह मोबाइल फोन में लाइट ग्लो करता है। लाइट ग्लो का मतलब होता है उजाला करता है मोबाइल फोन में रोशनी। जो आपके एलईडी डायोड आता है, जो रोशनी आती है वो रोशनी कहां से आती है? डायोड से ही आती है। वो एलईडी एक डायोड ही होता है जिससे हमारे मोबाइल फोन में रोशनी आती है, डिस्प्ले में लाइट आती है, ब्राइटनेस आती है, इन सब चीजों के लिए। तो हमारा डायोड एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो सप्लाई को मोस्टली वन साइड पास करता है और लाइट ग्लो करने का भी काम करता है। अब बात करते हैं मोबाइल फोन में से दिखता कैसा है। इसकी इस चीज को हम लोग बोलते हैं इसकी भाषा में रियल शेप। रियल शेप का मतलब होता है बनावट, उसका डिजाइन कैसा होता है। डायोड जो होता है, जब आप मोबाइल फोन में देखेंगे, बनावट की बात करेंगे, तो ये आपके मोबाइल फोन में से ऐसा 2 पिन का लगा होता है।
कैसा लगा होता है, दो पिन का लगा होता है और दो पिन के अंदर एक ऐसी हल्की सी पट्टी भी पाई जाती है। जिस तरफ पट्टी होती है वो हिस्सा हमारा प्लस होता है, दूसरा हिस्सा माइनस होता है, आप कह सकते हैं। तो ये हमारा ब्लैक कलर का डायोड होता है, इसको हम लोग नॉर्मल डायोड भी कहते हैं। फिर हमारा एक डायोड और आता है सेम इसी तरीके से, ये भी दो पिन का ही होता है लेकिन इसकी पिने अंदर की तरफ होती है। इसके पिने कहां पर होती हैं? अंदर की तरफ होती हैं। जो अंदर की तरफ पिन होती है इसको हम लोग अंडर पिन डायोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अंडर पिन डायोड कहते हैं। या ऐसे डायोड को मोबाइल फोन की भाषा में हम लोग इसको जनरली टीवीएस डायोड भी कहते हैं। ये हमारा नॉर्मल डायोड है और ये हमारा टीवीएस डायोड भी कह सकते हैं, या इसको जीना डायोड भी बोला जाता है। फिर आपके मोबाइल फोन में सेम इसी तरीके का ऐसा लगा होता है और उसमें ऐसे बल्ब जैसा बना होता है, इसको हम लोग एलईडी डायोड बोलते हैं। एलईडी डायोड का मतलब होता है ये मोबाइल फोन में रोशनी देने का काम करता है, उजाला देने का काम करता है। और जितने भी मोबाइल फोन होते हैं, सारे मोबाइल फोन में फिलहाल ये नहीं होगा तो रोशनी कहां से आएगी? अगर आपको दिखाई देना है, देखना है सब चीजों के बारे में तो रोशनी आना जरूरी है ना। तो ये आपका जो लगा होता है इसको हम लोग एलईडी डायोड बोलते हैं। और ये सर जो इस तरीके का लगा होता है इसको हम लोग अंडर पिन डायोड बोलते हैं। डायोड जितने भी होते हैं आपके जो पाए जाते हैं, इनके सभी डायोड की जो शेप होती है ये पूरी ब्लैक कलर की होती है। कैसी पाई जाती है? ब्लैक कलर की पाई जाती है। जितने भी मोबाइल फोन होते हैं, सारे मोबाइल फोन में से जो टू पिन का ऐसा ऐसा पाया जाता है ये कैसा होता है? ब्लैक कलर का होता है। ब्लैक मतलब पूरा काला, जेट ब्लैक, ऐसा ये पूरे ब्लैक कलर के पाए जाते हैं जितने भी मोबाइल फोन होते हैं, सभी मोबाइल फोन में। अब बात करते हैं रियल सेफ डिनोटिंग लेटर। डायोड का डिनोटिंग लेटर डी भी होता है और वी भी पाया जाता है। डी या वी से इसको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। इसका जो यूनिट होता है वो अल्फा न्यूमेरिक होता है। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता है उसका एक नंबर लिखा होता है। कोई भी डायोड होता है उस डायोड में अपनी वैल्यू लिखी होती है, जैसे AE15 ऐसे नंबर लिखा होता है, FNC2 ऐसे डायोड के ऊपर नंबर लिखा होता है, जैसे A3 ऐसे नंबर लिखा होता है। तो ये डायोड के अंदर जो वैल्यू लिखी होती है वो अल्फा न्यूमेरिक होती है और ये इसको यूनिट भी कह सकते हैं। यूनिट इसको अल्फा न्यूमेरिक में हम लोग काउंट करते हैं। अब बात करते हैं वर्किंग की, डायोड काम कैसे करता। सबसे पहली बात, जहां पर डायोड में अगर आप वर्किंग की बात करेंगे, डायोड का जो सबसे पहला काम होता है, प्राइमरी काम होता है, वो एसी को डीसी में करता है। क्या काम करता है? एसी को डीसी में करता है। कैसे करता है? वो एक हमारा प्रोसेस होता है। तो ये डायोड हमारा क्या काम करता है? जो हमारा एसी करंट आता है वो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। अब अगर इसको 200 वोल्ट एसी दोगे तो 200 वोल्ट डीसी देगा, और अगर आप 5 वोल्ट एसी दोगे तो 5 वोल्ट डीसी देगा, अगर 12 वोल्ट एसी दोगे तो ये 12 वोल्ट डीसी देगा। तो डायोड क्या काम करता है? सेम इसी तरीके से जो भी हमारा एसी वोल्टेज आता है उस एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में आप कह सकते हैं कन्वर्ट करता है। कैसे करता है वो एक प्रोसेस होता है, वो हमको समझना पड़ेगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये हमारा डायोड का काम होता है एसी को डीसी में करना। दूसरा काम होता है फिक्स वोल्टेज देना। फिक्स वोल्टेज का मतलब होता है बिल्कुल एक समान बराबर वोल्टेज देना। जैसे किसी भी लाइन, किसी भी सर्किट, किसी भी सप्लाई में जब जोड़ दिया जाता है तो जो हमारा वोल्टेज का फ्लो आता है, अगर मान लिया हमने लगा दिया और हमारा यहां से 5 वोल्ट करंट जा रहा है तो 5 वोल्ट ही जाएगा। अगर मान लिया 1 वोल्ट ज्यादा हो गया तो उस वोल्ट को ग्राउंड कर देगा, आगे जो हमारा जाएगा कितना जाएगा? 5 वोल्ट जाएगा। तो इस काम को बोलते हैं इसकी भाषा में फिक्स वोल्टेज देना। लेकिन ऐसे डायोड को हम लोग जीना डायोड बोलते हैं। ये जीना डायोड का वर्किंग होता है। ये जो हमारा डायोड होता है इसको हम लोग सेमी कंडक्टर डायोड बोलते हैं। उसके बाद दूसरा काम होता है एलईडी। एलईडी का पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड। ये आपके मोबाइल फोन में रोशनी देना। रोशनी देना आपके मोबाइल फोन जो उजाला होता है वो डायोड के माध्यम से उजाला होता है। इसका काम होता है रोशनी देना। जितने भी मोबाइल फोन होते हैं, सारे मोबाइल फोन में इसका काम क्या होता है? रोशनी देना, उजाला देना। जो आपके मोबाइल फोन में लाइट आती है तो डायोड के माध्यम से ही लाइट आती है, रोशनी आती है। तीसरा काम होता है इसका फोटो सेंसर के रूप में यूज किया जाता है।
फोटो सेंसर क्या मतलब होता है, हमारे जो लाइट इफेक्ट होता है लाइट इफेक्ट को क्या करता है, कैप्चर करता है, उसके हिसाब से हमारे सिग्नल को आगे भेजता है। तो ये फोटो सेंसर में यूज किया जाता है, जैसे आपका रिमोट में यूज किया जाता है, या हमारे यहाँ पर इंफ्रारेड में भी यूज किया जाता है, या जो सिग्नल को रिसीव करता है उसमें भी यूज किया जाता है, या ऊपर सेंसर के रूप में यूज किया जाता है। तो ऐसे डायोड को हम लोग फोटो सेंसर डायोड भी बोलते हैं। तो ये हमारा चार अलग अलग तरीके की वर्किंग होती है जो हमारा डायोड काम करता है। अब चलिए बात करते हैं कि डायोड की टेस्टिंग क्या होती है, डायोड को आप चेक कैसे करेंगे, डायोड को चेक करने का तरीका क्या होता है, आप डायोड कैसे चेक कर पाएंगे। डायोड को चेक करने के लिए सबसे पहली बात है टेस्टिंग क्या है। मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर, मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर सेट करते हैं। इस बी पॉइंट को डायोड रेंज भी बोलते हैं। यह कई बार ऐसा होता है बी पॉइंट अलग होता है, डायोड रेंज अलग हो जाता है, जिसमें से डायोड रेंज अलग होता है तो आप उसको अलग भी चेक करेंगे। मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर सेट करते हैं या डायोड रेंज पर सेट करते हैं, आप ऐसा भी कह सकते हैं, या डायोड रेंज। अगर डायोड रेंज की बात करेंगे तो डायोड रेंज में से ऐसे इस तरीके का निशान भी बना होता है, इस तरीके का। दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको सिंबल नहीं बताया है, आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। अभी यहाँ पर बनाया तो मैंने आपको यूनिट डायोड का जो सिंबल होता है वो इस तरीके का निशान होता है, और जिस तरीके का भी निशान होता है इसको हम लोग जीनर डायोड बोलते हैं, और इस तरीके का भी निशान होता है इसको हम लोग एलईडी डायोड बोलते हैं, रोशनी देने का काम करता है। तो इस तरीके से हमारा जो डायोड लगा होता है, डायोड के मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर सेट करते हैं, डायोड रेंज पर सेट करते हैं। चेक करने पर वन साइड वैल्यू दे तो ओके, डायोड को चेक करने पर वन साइड वैल्यू दे तो ओके। अगर डायोड को आप चेक करेंगे तो चेक करने पर क्या देगा, वन साइड मतलब एक साइड से वैल्यू देगा फॉल्टी, वैल्यू ना दे या बीप दे। तो खराब है। जैसे डायोड को जब आप चेक करते हैं तो मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर सेट करते हैं, चेक करने पर वन साइड वैल्यू दे, क्या देता है, चेक करने पर वन साइड मतलब एक तरफ से वैल्यू देता है, एक तरफ से वैल्यू नहीं देता तो सही है हमारा, और वैल्यू ना दे, वैल्यू बिल्कुल नहीं देता, यह डायोड चेक करने पर बीप देने लगता है, तो बीप देने का मतलब होता है हमारा डायोड क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। मोबाइल फोन के अंदर जितने भी सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं दोस्तों, ये सारे एसएमडी कंपोनेंट्स लगे होते हैं, और आप अगर देखेंगे तो ये ब्लैक कलर का मोस्टली हमारा टू पिन का ऐसा दिखता है। मैं एक बार फिर से आपको दोबारा समझा देता हूं ताकि आप इस चीज को एक बार अच्छे से रिमाइंड भी हो जाए और अच्छे से समझ भी सकें आप। सबसे पहली बात, डायोड, डायोड एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो सप्लाई को वन साइड पास करता है, लाइट ग्लो करने का काम करता है, आपके मोबाइल से जो रोशनी देता है वो लाइट ग्लो करने का काम करता है, रियल शेप। ये दो पिन का पाया जाता है, या अंडर पिन डायोड भी बोलते हैं, टीवीएस जीनर डायोड, या ऐसा एलईडी रोशनी देने का काम करता है। डिनोटिंग लेटर डी या वी होता है, इसका सिंबल इस तरीके से बना होता है तीर जैसा, सिंबल यूनिट होता है अल्फा न्यूमेरिक, A3, AE15, FNC2 ऐसा कुछ नंबर लिखा होता है उसके ऊपर। वर्किंग इसका काम होता है एसी को डीसी में करना, पहला काम। दूसरा काम होता है वोल्टेज को फिक्स देना, फिक्स वोल्टेज देना। तो ये जीनर डायोड काम करता है, एलईडी डायोड जो रोशनी काम करता है, फोटो सेंसर जो हमारी लाइट को रिसीव करता है, फोटो सेंसर के रूप में काम करता है। टेस्टिंग होती है, मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर सेट करते हैं, कहां पर सेट करते हैं, मल्टीमीटर को बजर रेंज पर सेट करते हैं, बी पॉइंट पर डायोड रेंज पर सेट करते हैं। चेक करने पर वन साइड वैल्यू देगा तो सही है, और वैल्यू ना दे या बीप दे तो हमारी ऐसी कंडीशन पर हमारा डायोड क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। चलिए चलते हम लोग इसको मदरबोर्ड में देखते हैं, बोर्ड में देखते हैं कि बोर्ड में इसको कैसे पहचाना जाता है, बोर्ड में आप कैसे पहचानेंगे। इसके लिए मैं आपको एक पीसीबी ओपन करता हूं, जैसे ये देखिए, अगर आप इसमें से मोबाइल फोन में से देखेंगे तो ये आपका डायोड लगा हुआ है, देखिए
ये आपका ब्लैक कलर लगा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायोड। इस डायोड में देखिए ये हमारा क्या लिखा हुआ, एक लिखा हुआ T4D, ये इसकी वैल्यू लिखी हुई है। तो ये डायोड लगा हुआ, इस डायोड में देखेंगे तो इसके दो पिन हैं और ये बॉडी जो पाई जाती है ब्लैक कलर की बॉडी पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? ब्लैक कलर की, फुल ब्लैक ऐसी बॉडी पाई जाती है। उसके बाद ये दो पिन का हमारा लगा हुआ है, ये भी हमारा ब्लैक कलर का पाया जाता है, इसमें से भी दो पिन होती हैं, ये भी ब्लैक कलर का पाया जाता है। जितने भी मोबाइल फोन होते हैं सारे मोबाइल फोन में दो पिन का डायोड होता है, या तो दो पिन का डायोड होता है, ये आपका पाया जाता है। ये आप मोबाइल फोन में से देखेंगे, और भी मैं आपको दिखाता हूँ, अगर लगे होते तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब हमारे फिलहाल बोर्ड में से नहीं लगे हुए हैं, तो हमारे बोर्ड में से जैसे आप देखेंगे तो ये दो पिन का एक ये डायोड लगा हुआ है, दूसरा दोस्तों एक ये दो पिन का डायोड लगा हुआ है। तो ये हमारे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायोड। मैं दूसरा बोर्ड ओपन करता हूं, ये जैसे ये मैंने बोर्ड ओपन किया है, इसमें से अगर आप देखेंगे, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो इसमें से देखेंगे ये हमारा जो डायोड लगा है, इसको हम लोग अंडर पिन डायोड बोलते हैं। ये देखिए ये जो दो लगे हैं इसको हम लोग अंडर पिन डायोड, अंडर पिन जो डायोड होता है वो बिल्कुल सेम ऐसा ही लगा होता है, लेकिन इसकी पिने अंदर की तरफ दिखती है, साइड में ऐसी पिन होती है, बिल्कुल ऐसा लगा पिन अंदर घुसी जा रही हूँ, ऐसे साइड में पिन दिखते हैं। अच्छा, इसको रजिस्टर भी नहीं कह सकते, क्योंकि रजिस्टर जो होता है ये ऊपर की तरफ सिल्वर पाया जाता है, लेकिन इसमें से ऊपर की तरफ दोस्तों सिल्वर नहीं होता, बॉडी में ऊपर साइड अगर आप देखेंगे तो सिल्वर नहीं होगा, इसके पिने नीचे की तरफ होती है, ऐसे पैर जैसे नीचे होता है ना, ऐसे नीचे की तरफ इसके पैर होते हैं, ऊपर से पूरा ब्लैक ब्लैक दिखता है। तो ये जो आपको डायोड लगा हुआ है इसको हम लोग अंडर पिन डायोड बोलते हैं, या इसको TVS डायोड भी आप कह सकते हैं। तो आप जितने भी मोबाइल फोन होते हैं सारे मोबाइल फोन में देखेंगे तो जो ऐसे लगा होता है दो पिन का लगा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायोड बोलते हैं। हमारे मोबाइल फोन के अंदर जैसे आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जा रहे हैं, या जैसे आप मोबाइल फोन के बारे में आप आगे सीखते जा रहे हैं, तो हमारे मोबाइल फोन के अंदर जितने भी सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये सारे कंपोनेंट्स की मात्रा कम होती जा रही है। जैसे सबसे ज्यादा कंपोनेंट्स लगे होते हैं रजिस्टर, कैपेसिटर, मतलब ऐसे कम होते जा रहे हैं, पहले रजिस्टर है, फिर कैपेसिटर उससे कम है, फिर उससे कम कॉइल है, उससे कम डायोड है, उससे कम ट्रांजिस्टर है, उससे कम मॉस्फेट है, उससे कम क्रिस्टल है, ऐसे ऐसे सिंगल 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 करके होने लगते हैं। तो ऐसे ही हमारे मोबाइल फोन के अंदर 14-15 तरह के कंपोनेंट्स लगे होते हैं, ये 14-15 तरह के कंपोनेंट्स मिल करके ही हमारे मोबाइल फोन को बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल से बात बताता हूँ कि अगर आपको मटर पनीर की सब्जी खानी है तो मटर पनीर का मतलब खाली मटर पनीर दोनों ही नहीं होते, उसके साथ में और भी 10 चीजें होती हैं। अब वो 10 चीजें क्या होती हैं वो आप समझ सकते हो, वो आप मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कि आप जब उन चीजों को डालेंगे तभी मटर पनीर अच्छा बनेगा, नहीं तो मटर पनीर नहीं बनने वाला। उसी तरीके से हमारा मोबाइल फोन होता है, हमारे मोबाइल फोन को चलाने के लिए डिस्प्ले टच काम्बो PCB बस यही सारा चीज नहीं होता, उसको चलाने के लिए ये अंदर के जो पार्ट्स होते हैं, ये अंदर के जो मसाले होते हैं, अंदर के जो मटेरियल्स होते हैं, ये सब मिल करके काम करते हैं। जब सब मिल करके काम करते हैं तभी तो हमारा मोबाइल फोन काम करता है, क्योंकि कोई सप्लाई को कम करता है, कोई रोशनी फेंकता है, कोई वन साइड पास करता है, कोई ज्यादा करता है, कोई फिल्टर करता है, इस तरीके से सब मिल करके पूरे मोबाइल फोन को एक्टिव करते हैं, पूरे मोबाइल फोन को चालू करते हैं। तो आज दोस्तों मैंने जो आपको बताया है वो मैंने डायोड के बारे में बताया, कि मोबाइल फोन के अंदर जो डायोड कंपोनेंट्स लगा होता है, डायोड कंपोनेंट्स क्या काम करता है और इसकी वर्किंग क्या रहती है, इसको मोबाइल फोन के अंदर पहचाना कैसे जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको मोबाइल फोन रिपेयरिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट का टॉपिक है ये दोस्तों हम आपको अच्छे से समझाना चाहते हैं, ताकि आप मोबाइल फोन को रिपेयर करना सीख सकें, और मोबाइल फोन के अंदर एक मोबाइल फोन के लिए एक आप बेहतर और एक अच्छे कुशल टेक्नीशियन बन सकें। और आगे चल करके फ्यूचर में अगर आप देखेंगे तो मोबाइल फोन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, ऐसा कोई आदमी नहीं जिस आदमी के पास मोबाइल फोन ना हो, और हर एक आदमी के पास में जब मोबाइल फोन है तो मोबाइल फोन खराब हो जाता है तो उसको फेंकता नहीं, उसको रिपेयर कराने की कोशिश करता है, उसको आखिरी दम तक रिपेयर कराने की कोशिश करता है। कि अगर आज भी मैं आपको कहता मुझे इतना साल काम करते करते हो गया, किसी के पास अगर 5,000-6,000 का मोबाइल फोन आता है, वो बेशक वो 500-600 रुपए का हो जाता है, कूड़ा हो जाता है, लेकिन उसके लिए कूड़ा नहीं होता, वो आज भी समझता है कि ये हमारा 9,000 रुपया का था, 9,000 का हमने लिया था, आज भी 9,000 रुपए का है।
और वो उस मोबाइल फोन को चाहता है कि हमारा मोबाइल फोन बन जाए। अगर 500-600 रुपए में अगर हमारा फोन बन जाएगा तो बढ़िया बात है। एक मोबाइल फोन बेचने वाला सर जी 10,000 का मोबाइल फोन, अगर आप मोबाइल फोन के टेक्नीशियन या मोबाइल फोन के दुकानदार या शॉपकीपर हैं तो इस बात को भली बात आप समझते हैं कि ये 9,000 रुपए का मोबाइल फोन तो बेचने में 200-300 रुपए 500 रुपए उससे ज्यादा प्रॉफिट एरिया नहीं होता। लेकिन इस मोबाइल फोन के डेड मोबाइल फोन को बनाने का मैं 600 रुपए लेता हूँ। बेशक मोबाइल फोन के अंदर छोटी सी शॉर्टिंग का ना हो, यह बेशक मोबाइल फोन के अंदर बैटरी बेशक डाउन क्यों ना हो गई हो, या मोबाइल फोन का जनरली ऐसे यूं ही कोई फॉल्ट क्यों ना हो गया हो, लेकिन हम 600-700 रुपए लेते हैं बिना कुछ लगाए हम कमा रहे हैं। वो किस बात का कमा रहे हैं? दिमाग का। दोस्तों किस बात का पैसा ले रहे हैं? माइंड का पैसा ले रहे हैं। उसी तरीके से अगर ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़े पूंजीपति हो, बहुत आपके पास पैसा है, बहुत सारा सब कुछ है तो आपने लगा दिया तो ही आप 1,000-2,000 रुपए कमा सकते हो। अगर दोस्त आपके पास दिमाग अच्छा है और अगर आप माइंड आप अच्छा है, दिमाग का थोड़ा सा ठीक ठाक हो और हमारी बात को समझते हो तो इन सब चीजों को आप सीख करके एक बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। और दोस्तों ये सारी वीडियो जो मैं आपको देता हूँ उस वीडियो को आप कॉपी पेन बनाओ, उसमें से अच्छे से नोट करो, उसमें समझो। एक बार जो मेरा पढ़ाया हुआ है आप अपनी कॉपी में नोट करो, जो चीज मैं एक बोलता हूँ वो सारी चीज अपने कॉपी में लिखो। मैं गारंटी के साथ मैं कहता हूँ ये मेरा 15-20 वीडियो लेक्चर अगर आपने देख लिया, आपने सीख लिया तो आपको मोबाइल फोन रिपेयरिंग इतना सरल लगेगा, इतना सरल लगेगा, इतना इजी लगेगा जिसका जवाब नहीं। और बाकी सर अगर आप पूरा इन सब चीजों को लेकर के जब पूरा प्रैक्टिकली कंप्लीट सीखना चाहते हो, पूरा मोबाइल फोन रिपेयरिंग का अपना बिजनेस करना चाहते हो, मोबाइल फोन रिपेयरिंग की दुकान खोलना चाहते हो, तो दोस्त फिर आपको आकर के ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करना पड़ेगा और मेरे सामने बैठ करके एक बार आपको सीखना पड़ेगा। जब यहाँ बैठ करके सीखोगे तभी आप कंप्लीट कुशल और अच्छे टेक्नीशियन बन सकते हो और अपना अच्छी तरीके से मोबाइल फोन रिपेयरिंग के बिजनेस को चला सकते हो। तो दोस्त वीडियो को देखें, वीडियो के माध्यम से सीखें और अगर कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या आती है, कोई दिक्कत आती है तो आप हमको फोन कर सकते हैं, हमको मैसेज कर सकते हैं। और अगर इन सब चीजों से संबंधित अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो भी हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और मोबाइल फोन रिपेयरिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, मोबाइल फोन कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर आप दूर से रहने वाले हैं, झारखंड है, बिहार है, आसाम है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, कहीं के भी रहने वाले हैं तो अगर आप क्लास को देखना चाहते हैं तो आप सामने हमारी लाइव क्लास को देख सकते हैं। आप वीडियो कॉल करें, क्लास के माध्यम से हमारी सर ऐसा सारा सुविधा बना हुआ है, ऐसा सेटअप बना हुआ है कि आप वीडियो कॉल के माध्यम से आप क्लास देख सकते हैं। चाहो तो क्लास को ज्वाइन भी कर सकते हो, लाइव क्लास देख सकते हो, बहुत सारे फीचर हैं। तो आप उन सब चीजों के माध्यम से आप दूर से बैठे ही आप समझ सकते हो कि हम मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम कैसे सिखाते हैं। और हमें सर इस लाइन में 18-19 साल हो गया और आपको जितने भी बच्चे आते हैं सब लोग मैं बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक मैं आपको पूरा कोर्स सिखा करके भेजता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ना आए। और ये जो कोर्स सीखने में जो समय रहता है, ड्यूरेशन होता है, वैसे तो हम लोग यहाँ पर 3 महीने का पूरा 90 दिन का कोर्स कराते हैं, लेकिन जो बाहर से लोग जो सीखने के लिए आते हैं उनका हम लोग फुल डे का क्लास रखते हैं, पूरा दिन का क्लास रखते हैं। जब पूरा दिन का क्लास रखते हैं तो फुल डे क्लास करते हैं, तो फुल डे क्लास का मतलब होता है 2-4 घंटे नहीं है, वो 8 घंटे क्लास करने वाले हैं। जब 8 घंटे क्लास करने वाले हैं तो जिस काम को सीखने में उनको 90 दिन का समय लगता है, जिस काम को सीखने में उनको सालों का समय लगता है, उसी काम को मात्र महज 45-50 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट सीख करके जा सकते हैं। और अगर आप फ्रेशर हैं तो भी सर आप बिल्कुल 0 लेवल से सब चीजों के बारे में सीख करके जा सकते हैं। 2 महीने के बाद जब आप निकलेंगे तो कंप्लीट टेक्नीशियन बनकर निकलेंगे, अच्छे तरीके से मोबाइल फोन में सारा काम कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो समझ में आती है तो आप वीडियो को जरूर समझें और हमारे बारे में जानकारी लेना है तो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं, हमारे और भी सारे सोशल अकाउंट्स हैं आप उसमें भी देख सकते हैं। और अगर इनसे संबंधित अगर वीडियो ये अच्छी लगती है तो इससे संबंधित मैंने और भी पीछे वीडियो मैंने बना रखा है। ये डेमो क्लास का शायद मेरा 7वां टॉपिक होगा लेकिन इससे पहले इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां वो भी सारा पार्ट बना है। आप उस पार्ट को भी देखें ताकि उस पार्ट को जब आप देखेंगे तो आपको पूरा थ्योरी समझ में आएगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, पूरा प्रैक्टिकल समझ में आएगा। तो दोस्त आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। ओके सर।